शहर बीजापुर, जो किसी जमाने में मुल्के दक्कन का दारुसल्तनत था, मुंबई से नाक की सीध जुनूब मशरिक में 240 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। जैसे ही कोई शहर के अंदर दाखिल होता है तो वहां की वीरानी और तबाही देखकर महवे हैरत हो जाता है। 1320 ईस्वी में यह मस्जिद मलिक करीमुद्दीन ने तामीर कराई, इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिद मलिक करीमुद्दीन कहा जाता है। बीजापुर के पहले गवर्नर हैं मलिक ऐजाउद्दीन, तो उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे मलिक करीमुद्दीन वो यहाँ के गवर्नर बने, तो 1316 में बीजापुर में वो पहली मस्जिद की तामीर शुरू की 1316 में। तो उस मस्जिद को ना आज हम करीमुद्दीन मस्जिद के नाम से जानते हैं। वो मस्जिद, ये जो बीजापुर की पहली मस्जिद है करीमुद्दीन मस्जिद, वो बीजापुर की जामा मस्जिद भी है। और कई सालों तक, खास करके आदिलशाही हुकूमत शुरू होने तक, ये जामा मस्जिद की हैसियत रखती थी। एक रवैया नामी मेमार ने इस मस्जिद की तामीर अमलन की थी। ये भी कहा जाता है कि मलिक करीमुद्दीन के वालिद ने इस मस्जिद की तामीर का आगाज किया होगा और रवैया नामी कारपेंटर को इसकी तामीर के लिए बुलवाया होगा, जो यहां से चंद मील के फासले पर ही रहता था। उस जमाने में प्लानर कह सकते हैं, बिल्डिंग प्लानर, वो सब कुछ हर शोबे में अपनी महारत रखते थे। उनका नाम था रवैया, तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि इस मस्जिद को आप तामीर करें और जो भी खर्च आएगा गवर्नमेंट से दिया जाएगा। और जैसे ही ये मस्जिद तामीर हुई, उनको इनाम में जो एक यहाँ पे इसमें शुमाल में एक नदी बहती है बीजापुर के, उसको हम भीमा नदी कहते हैं, भीमा नदी का जो नदी के बाजू की जो ज़मीन है सालहोट की, वहाँ पे एक गांव है जो इंडी तालुके में आज पड़ता है, वहाँ की जो ज़मीन आता रवैया सुतार को दी गई। तो इससे पता चलता है कि उस ज़माने में ख़ास मस्जिद का आर्किटेक्चर नहीं था। तो ये मस्जिदें तामीर करना, ये शुरुआत की बात है। जो हिंदुस्तान में जो ऐसी मस्जिदें, खास करके जो गुम्बद बनना या मीनारे बनना, उस वक्त नहीं थी। ये मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो स्लोली डेवलप होता रहा। तो आज एक हमें मस्जिद की जो एक बिल्कुल हमें फिगर जो मिलती है, उस ज़माने में खास करके मस्जिद की फिगर होती नहीं थी। जो रवैया जो जानते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जो जानते थे, या मंदिरें बनाने का जो उनके पास जो फनकारी थी, उसी तर्ज पे उस मस्जिद को बनाए। इस मस्जिद के अंदर इसके हजम के लिहाज से सतूनों की एक भीड़ कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है। यहाँ के सतून की खास बात यह है कि इसके बीच बीच में पत्थर पूरे पूरे लगाकर इसको ऊंचा किया गया है। ठीक यही चीज हमें दिल्ली के कुतुब मीनार के सतूनों में दिखाई देती है। इस मस्जिद के बीच में एक उभरा हुआ हिस्सा है जो ऊंचा दिखाई देता है। इसको भी मलिक करीमुद्दीन ने बनवाया था। इस मस्जिद में एक बुजुर्ग की भी निशानियां मिलती हैं जो उस वक्त शहीद हुए थे, जिनका मजार मस्जिद के सहन में आज भी मौजूद है। तो इस मस्जिद के सहन में एक मज़ार है, जो मज़ार हज़रत शेख मोहम्मद पीर माहबरी खंडायत नेशापुरी, उनके फर्जंद की मज़ार है। तो उनको चिंच या सानी पीर माहबरी खंडायत भी आपको कहा जाता है। तो वो जंग करते हुए शहीद हुए हैं और उनके कई साथी भी उनके साथ शहीद हुए हैं। इसीलिए जो बाजू का जो उनके मज़ार के बाजू एक छोटी गुम्बद है, उसमें पूरे शहदा को वहाँ पे दफन किया गया है। इसीलिए उस गुम्बद को गंजे शहदा के नाम से आज तक जानते हैं। इस मस्जिद का तर्ज तामीर अहमदाबाद और गुजरात के तर्ज की मस्जिदों पर बनाया गया है। इस मस्जिद के मगरबी हिस्से में तीन कमाने हैं और बीच में एक छोटा सा मेहराब। मेहराब के ऊपरी हिस्से में अरबी फन खत्ताती के भी चंद नमूने मिलते हैं। इसमें कुरान की दो मशहूर आयतें लिखी हुई हैं, एक आयतल कुर्सी
और दूसरे सूरे जुमा की मशहूर आयत जिसमें जुमा की नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। आपको आप देख सकते हैं उसके महराब में अरबी कतबात भी हैं, जो पहले लाइन में आपको मिलेंगे आयतुल कुर्सी है, पहले लाइन में जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ के जो कतबे में आयतुल कुर्सी है, और दूसरे लाइन में सूरे जुमा के आयतें हैं। इससे मालूम हो रहा है कि ये जामिया मस्जिद उस ज़माने की थी, 1316 की जो पहली मस्जिद है वो जामिया मस्जिद भी उस ज़माने की थी। महराब को देखने से अंदाज़ा होगा कि महराब नुमा चीज़ बाद का इजाफा है, क्योंकि इसके पत्थर नए मालूम पड़ते हैं। असल में ये चौकोर ही होंगे, जैसा कि इस मस्जिद की उमूमी तामीर से मालूम होता है। महराब के दाईं जानिब और बाईं जानिब भी तीन तीन कमाने मौजूद हैं। इनको देखकर मस्जिद की तस्वीर तो जहन में बनती है, लेकिन यह भी बाद में बनाए गए हैं ये साफ पता चलता है। और इसका सबूत इसके दरवाजे हैं जो चौकोर हैं, ना कि महराब नुमा। चंद एक सुतून तो बिल्कुल अलग नमूने के हैं, यहाँ तक कि उनके रंग भी अलग हैं और हर सुतून पर अलग अलग नकूशो निगार बने हुए हैं। अलबत्ता कई सुतून एक जैसे हैं और उनमें तामीराती हमाहंगी पाई जाती है। इस मस्जिद का फर्श दीगर मसाजिद की तरह गच से प्लास्टर किया हुआ मालूम होता है, जो अब भी दिखाई देती है, और नीचे का पत्थर उमूमन नहीं दिखाई देता, अलबत्ता सहन में देखने पर पत्थर साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद के चारों तरफ किले की दीवारें और गेट दिखाई देते हैं, जहां अब सरकारी दफातर बने हुए हैं। इस मस्जिद के ठीक अकद में आदिल शाही दौर का महल है, जिसे अदालत महल कहते हैं, जो आज डीसी ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है। इस एतबार से भी ये मस्जिद बहुत नुमाया है कि इसमें सुतूनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और सुतून इतने पास पास हैं कि हर सुतून की कतार में सिर्फ एक ही सफ लगाई जा सकती है, दूसरी सफ की यहां कतई गुंजाइश नहीं। इस मस्जिद में अंदर की जानिब यानी प्रेयर हॉल में तकरीबन 500 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, और अगर पूरे अहाते की बात करें तो तकरीबन 3000 अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद को आने वाले अकीदतमंदों ने इस पर कंदा खत्ताती के आला नमूनों को हाथ से बार बार छूकर काला और बदरंग बना दिया है। इसमें दो खंबे इतने अलग हैं कि इस तरह का खंबा किसी भी आदिल शाही तामीर में देखने को नहीं मिलता। इनमें से एक हरा खंबा और दूसरा ये खंबा, जिसमें माले और तस्बीह के नकूश कंदा हैं, और ये खंबा इस मस्जिद के लगे पत्थरों में सबसे पुराना मालूम होता है, क्योंकि इसके नकूश सबसे ज्यादा घिसे हुए मालूम पड़ते हैं। चौड़ाई के एतबार से इसमें 10 खंबे या 10 सुतून मिलते हैं, और लंबाई के एतबार से 6। इस तरह मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 60 सुतून हैं। रकबे के लिहाज से ये मस्जिद बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसे बीजापुर की पहली जामा मस्जिद होने का शर्फ हासिल है। इसे ये दर्जा अपनी उम्र और कदामत की वजह से हासिल है। सलातीने बीजापुर जब यहाँ आए और मस्जिद की तामीर हुई, तो हिंदुस्तानी मेमारों और इंजीनियरों ने इसमें अपने फन और महारत के जौहर खूब दिखलाए, लिहाजा यहाँ पत्थरों के बड़े बड़े सिल और उनमें नक्शो निगार खालिस हिंदुस्तानी तर्ज तामीर की जीती जागती मिसाल है। स्टोन एज जिसे कहा जाता है, वो दौर हिंदुस्तानी तारीख और तहजीब व सकाफत का दौर कहा जा सकता है। खुसूसन तामीर के शोबे में हिंदुस्तान उस दौर की जिंदा तहजीब और तरक्की याफ्ता तहजीब में शुमार किया जाता है।
हिंदू मेमारों की इतनी गहरी छाप है कि बाज मुअर्रिखीन किसी पुराने मंदिर का हिस्सा मानते हैं और उनकी दलील उसका तर्ज़ तामीर और उसमें लगे पत्थर हैं, जो पुराने मंदिरों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस मस्जिद के 3 दाखिली दरवाजे हैं और उनमें से हर एक बेहतर हालत में है। शुमाल और जुनूब के दोनों दरवाजे हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र बंद कर दिए गए हैं और मशरिकी दरवाज़ा ही सिर्फ खुला है। ये दरवाज़ा मस्जिद की जसामत के ऐन मुनासिब है और पत्थरों की तराश खराश और उसमें नक्शो निगारी तर्ज तामीर और फन तामीर के महकमे के लिए एक कीमती सरमाया है। मलिक करीमुद्दीन मस्जिद बीजापुर की उन मसाजिद में से है जिनमें नमाज का एहतमाम नहीं होता, अलबत्ता लोग उसको देखने, मुसाफिर या इलाके के लोग उसकी छाँव में कुछ वक्त गुजार लेने के लिए ज़रूर आते हैं। और ये मस्जिद अब आसार कदीमा के तहत है, यही इसकी देखरेख और निगरानी के फराइज अंजाम देता है। इस मस्जिद पर बाहर से अगर तायराना नज़र डालें तो आपको इस इमारत को देखकर मस्जिद का ख्याल भी न गुजरेगा, क्योंकि फी जमाना मस्जिद होते हुए जो तस्वीर आंखों में घूमती है उसके अज्जा में लंबा मीनार, गुंबद और कमानदार दरवाजे हैं, लेकिन यहाँ इस मस्जिद में इस तरह के अज्जा नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि तारीख से इल्म होता है कि बीजापुर के दौरे अव्वल के सलातीन की ये सबसे पहली जामा मस्जिद है। उस वक्त ईरान और तुर्किश मेमारों की आमद और उनके तर्ज तामीर की शुरुआत अमल में नहीं आई थी, और अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो मस्जिद की मौजूदा सूरत का ताल्लुक किसी इस्लामी हुक्म से नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मस्जिद तामीर कराई थी उसमें भी ये अज्जाए तरकीबी हमें देखने को नहीं मिलते, बल्कि वो मस्जिद उन्हीं घरों की तरह तामीर कराई गई थी जो उस वक्त वहां पाए जाते थे। मस्जिद के नाम पर कोई मखसूस नक्शा इस्लामी अहकामात में शामिल नहीं है, बल्कि जब वक्त गुजरने के साथ इस्लाम फैलता गया और उसमें ईरान, तुर्क और दीगर तरक्की याफ्ता कौमें आईं तो उन्होंने तामीरात पर अपने असरात छोड़े। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तर्ज तामीर की मस्जिदें देखने को मिलती हैं। अलबत्ता जिस तरह इस्लाम ने इंसानों को ज़ेबो ज़ीनत और हुस्न व तज़ीन का हुक्म दिया है और उससे मना नहीं किया है, उसी तरह से मस्जिद की तामीर में फ़न का मुजाहरा कोई ममनू शय नहीं है। इसीलिए हमारे असलाफ ने मस्जिदों को भी खूबसूरत बनाने और उसको संवारने में फ़न और महारत दिखाई है, और इसमें वो इतने बुलंद मकाम तक पहुँचे हैं कि मस्जिदें फ़न तामीर के शोबे में अपनी मिसाल आप बन चुकी हैं। यही वजह है कि सदियों पुराने गिरते हुए पत्थरों को लोहे का सहारा देकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई है। इस मस्जिद में फन तामीर के नुक्ते नजर से देखें तो साफ महसूस होगा कि जो पत्थर और तामीराती नकूश, मसलन कमाने और मेहराब वगैरह ईरान और तुर्किश तर्ज तामीर पर इसमें लगाए गए हैं, वो नए पत्थर हैं और साफ लगता है कि बाद में नसब किए गए हैं। करीने कयास से मालूम होता है कि किसी मुस्लिम निगरानेकार ने बाद में इन्हें लगवाए होंगे या फिर मलिक करीमुद्दीन की ईमा पर इनका इजाफा किया गया होगा, या ये भी मुमकिन है कि दूसरे पत्थर जो पुराने हैं, जो पहले से तराशे हुए मौजूद थे, उनका इस्तेमाल करते हुए इन नए पत्थरों का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। जब ये पहली जामा मस्जिद है तो इसका इम्कान है कि काम को जिस कदर जल्दी हो सके पूरा करने के लिए
जल्दी जल्दी में पहले के तराशे हुए पत्थर और मस्जिद के तकाजों और उसकी तस्वीर के लिहाज से नए पत्थर तराश लिए गए हैं और सबको मिलाकर मस्जिद बना दी गई है। वैसे जिस तरह के पत्थर नकूश और पत्थरों की तराश खराश है, उससे साफ मालूम होता है कि इसकी प्लानिंग इंतहाई जल्दबाजी में हुई है, वरना पत्थरों का मुख्तलिफ होना, पत्थरों पर नक्काशी में हमाहंगी का न होना और खंभों में अलग किस्म के पत्थर का होना, इस तरह की तामीर कम से कम किसी भी बादशाह या नवाब के शायान शान तो हरगिज नहीं है। महकमे आसार कदीमा ने इसकी इस हालत के पेश नजर और अपने फन तामीर में गैर मुतासरा खालिस हिंदुस्तानी फन तामीर का एक बेश बहा सरमाया होने की वजह से इसको बचाने और महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है।